मंत्र और रिद्धि के जो पंक्तियां जो है वो जो बार बार बोली गई थी इस चीज के लिए कि ये इनक्योरेबल को क्योरेबल बनाए, तो वो मद्देनजर रखते हुए जब आप उसी को रिपीट करते हैं तो वो उस हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि ये सदियों से सारे लोग भक्तावर को जो पढ़ते हैं उन्होंने इसको इसी के लिए बोला है। इसलिए एक साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि इसकी फ्रीक्वेंसी उससे जुड़ गई है, तो अब वो फ्रीक्वेंसी हमें अपने साथ जुड़नी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है वो बिगड़ गई है। वो बिगड़ी नहीं रहती तो आपको कैंसर नहीं होता है। अब कैंसर लोगों के दिमाग में क्या है, इनक्योरेबल। तो आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जो इनक्योरेबल क्योरेबल करती है, तो इनक्योरेबल को आप क्योरेबल करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ जुड़ेंगे तो आप क्योरेबल हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ चाहिए खुद को अपने आप में ट्यून करने की, जैसे अगर आप रेडियो सिटी सुनेंगे तो आप 98.4 पे ट्यून करेंगे, कैसे जुड़ सकते हैं जब हम उसको पहले पूरी तरह से श्रद्धा करना चाहें, उसे आप बार बार रिपीट करें। फिलहाल आपके दिमाग में जो बातें हैं, मुझे कैंसर हो गया है, सुना है कैंसर ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डर भी है मेरे साथ ही क्यों, वो सारे सवाल भी है, बहुत सारी चीजें हैं, आपकी सारी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है, तो पहले आपको फाइन ट्यून करना है। वो फाइन ट्यूनिंग एक चीज क्या है, तो जब आप और कोई भी चीज एक दिन में नामुमकिन है, आप कितनी भी श्रद्धा से करें वो तुरंत, क्योंकि ये इतने सालों की चीज अपने पूरी है तो वो निकल नहीं सकती। तो एटलीस्ट हमने देखा है 21 दिन तो करना है, कई लोगों में उससे ज्यादा देखा है, आप कितने जल्दी उससे ट्यून होते हैं उस हिसाब से आपको फर्क पड़ता है। तो अब जो मैं आपको एक सेशन दूंगी, कमांड दूंगी, आपको सिर्फ सुनना है, महसूस करना है, उस हिसाब से अपने आपको देखना है और कुछ नहीं करना। ये जो कमांड है तो इसे आप फील करेंगे पूरी तरह से बॉडी में। ये इसलिए करा रही हूँ मैं कि जब आप 45 वर्ष लोग आप